नमस्कार दोस्तों, एरिस्टोटल ने एक बार कहा था, होप इज द ड्रीम ऑफ अ वेकिंग मैन, यानी कि आशा या उम्मीद एक जागते हुए व्यक्ति का देखा हुआ सपना है। ये कहानी है दो दोस्तों की। एक बार की बात है, एक राजा ने दो दोस्तों को किसी गुनाह के लिए मौत की सजा सुना दी। मौत की सजा सुनाने के बाद में अब कुछ नहीं हो सकता था। दोनों दोस्त आपस में कुछ बातें कर रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त ने खड़े होकर राजा साहब से कहा, राजा साहब, अब चूंकि मैं मरने तो वाला हूं, लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपके पसंदीदा घोड़े, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उस घोड़े को उड़ना सिखाऊं, ताकि आप एक उड़ते हुए घोड़े की सवारी कर सकें। आप मेरा विश्वास कीजिए, ये काम मैं एक साल के भीतर कर दूंगा, अगर आप आज्ञा दें तो। सभा में जितने लोग थे, सभी आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखने लगे। कोई उसे बेवकूफ कह रहा था, कोई उसको सनकी या पागल बोल रहा था, कोई उसे बहानेबाज बोल रहा था, लेकिन कुछ लोग थे जो उस पर विश्वास भी कर रहे थे। विश्वास करने का एक कारण यह था कि उस आदमी का कॉन्फिडेंस इस लेवल का था, इतना गजब का था, कि कुछ लोगों को इस बात पर भी विश्वास हो गया। ये बात सुनकर राजा भी सन्न रह गया। राजा ने उसकी तरफ थोड़ी देर तक देखा और फिर वो बोलता है कि इस बात का फैसला कल सुबह होगा। मैं कल सुबह ये फैसला सुनाऊंगा कि तुम कल मरोगे या फिर तुम मेरे घोड़े को अगले एक साल के लिए उड़ना सिखाओगे। ठीक है, सभा स्थगित कर दी गई। इस सब के बाद में जो दोस्त था वो इस कैदी से पूछता है, भाई तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? क्या तुम पागल हो गए हो या तुमने भांग खा रखी है? भला कोई किसी घोड़े को उड़ना कैसे सिखा सकता है? दोस्त हंसते हुए बोला, दरअसल मैंने खुद को अपनी आजादी के चार मौके दिए हैं। पहली बात तो यह है कि एक साल में सिखाते सिखाते राजा ही मर जाए और मैं बाकी की जिंदगी एक आजाद व्यक्ति की तरह गुजारूं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि सिखाते वक्त मैं मर जाऊं, तो इस तरह से मैं अपनी एक नेचुरल डेथ तो मरूंगा, एक प्राकृतिक मृत्यु तो मैं अपनी मरूंगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये घोड़ा ही मर जाए तो बाकी की जिंदगी मैं फ्री हो जाऊंगा। दोस्त बोलने लगा, चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? और उसने कहा, चौथी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि एक साल के भीतर मैं इस घोड़े को उड़ना सिखा दूं। दोस्तों, ये कहानी है उम्मीद की। अगले दिन सुबह वही हुआ, राजा आया और राजा ने घोषणा की कि ये व्यक्ति मेरे घोड़े को अगले एक साल के लिए उड़ना सिखाएगा। दूसरे दोस्त का क्या हुआ? ऑब्वियसली दूसरे दोस्त के पास कोई चॉइस नहीं थी, दूसरे दोस्त को मरना ही था। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली सीख जो ये कहानी देती है वो ये है कि परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी ही विकट हो, कितनी ही भयावह हो, लेकिन उस परिस्थिति में अपने दिमाग को शांत रखिए और उस शांत दिमाग से आखिर में जो निकलेगा वो होगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। दूसरी शिक्षा जो ये कहानी देती है वो ये है कि बुरी से बुरी परिस्थिति में हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हॉलीवुड की एक बड़ी ही फेमस मूवी है जिसका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, होप इज अ गुड थिंग एंड नो गुड थिंग एवर डाइज, यानी कि आशा एक बहुत ही अच्छी चीज है और अच्छी चीजें कभी मरा नहीं करती। यदि आपको इस मूवी का नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में आपने और क्या क्या शिक्षाएं ग्रहण की इस कहानी से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह के और भी आने वाले कई वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।